आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिश मसाला फ्राई की रेसिपी। इसे बनाना तो आसान है ही, साथ ही हम इसे कम तेल में बनाएंगे, जिसे आप रोटी, चावल, जीरा राइस या स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों, बड़ों, सभी को ये फिश बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने हाफ के जी पफदा फिश ली है, वैसे आप इसको किसी भी फिश में बना सकते हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा लाल मिर्चा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, एक टी स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सबको अच्छे से मछली के ऊपर रब करेंगे। सारे मसालों को मछली के ऊपर उलट पलट कर अच्छे से लगा देंगे। आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे। सारी चीज़ों को एक बार फिर से मछली के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो फ़ौरन पका भी सकते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए हमने 6 से 7 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। सबको ग्राइंडर जार में डाल देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। मछली को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून चावल का आटा मिलाएंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो मैदा या कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। चावल के आटे में अच्छे से मछली को कोट कर देंगे। एक एक पीस पर अच्छे से आटा लगाएंगे। तो मछली को हमने चावल के आटे में बहुत अच्छे से कोट कर दिया है। अब चलते हैं फ्राई करने। एक पैन में सरसों का तेल गरम करेंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। मछली की एक एक पीस को तेल में ड्रॉप कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना एक दूसरे से चिपक कर मछली की कोटिंग उतर जाएगी। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट एक साइड फ्राई होने देंगे। एक साइड फ्राई होने के बाद 2 चम्मच की मदद से साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मछली हमारी दोनों तरफ से कितनी अच्छी फ्राई हुई है। अब इसको तेल से निकाल कर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखते हैं। इसी तरह बाकी मछलियों को भी फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने मछली को फ्राई किया था। हाफ टी स्पून मेथी डालेंगे। मेथी को तेल में 8 से 10 सेकंड चला लेंगे। अब इसमें जो हमने हरी मिर्च, लहसुन और धनिया की पत्ती की चटनी बनाई हुई है वो डाल देंगे। याद रहे, धनिया की चटनी को दरदरा पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर चटनी को हल्का सा भून लेंगे। जार को खंगाल कर थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कलर चेंज हो जाएगा। एक पिंच डालने से मसाले का जो ग्रीन कलर है वो और इन्हेंस हो जाता है। मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनने तक पका लेंगे। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई मछली को एक एक करके बिछा देंगे। इसको बहुत देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मछली भी फ्राई है और मसाला भी अच्छे से भुना हुआ है। तो अगर यहाँ पर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसका इजहार कर सकते हैं एक लाइक के ज़रिए। अगर चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मसाले को अच्छे से मछली पर कोट कर देंगे। किनारे से मसाले को उठाकर मछली पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से मछली पर चिपक गए हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत ही चटपटी सी मछली रेडी है। बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही है। प्लेन राइस, ज़ीरा राइस या रोटी के साथ भी सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो इस मसाला फिश की आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।